ये हमारा 10वीं में जो अध्याय वन है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताइए। तो आप सत्य असत्य उसके मतलब ऐसे नहीं बताएंगे उसको समझ के, कि पहला क्वेश्चन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो अभी आपको पहले तनुकरण का अर्थ पढ़ना पड़ेगा। तनुकरण मतलब जैसे उसमें पानी की मात्रा को कम ज्यादा करना। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वो है H2SO4। तो तनुकरण मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा करना। तो जब हम पानी में अम्ल को क्या करते हैं, मिलाते हैं, पानी में अम्ल को मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तनुकरण। मतलब अम्ल, तो उस समय जब मिलाते हैं तो उस समय थोड़ा सा वो विलयन गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और वो जो तनुकरण क्रिया है वो इसका H2SO4 का जो तनुकरण है मतलब पानी मिलाना। क्या मिलाना, तनुकरण। तनु मतलब पतला करना, डाइल्यूट करना। तो ये एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया है, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी मतलब वहां का वातावरण गर्म हो जाता है। तो इसलिए मिलाते समय हम बहुत ध्यान से मिलाते हैं क्योंकि उससे हाथ ना जल जाए हमारा। तो यहाँ लिखा है कि तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा का शोषण होना। तो ये कथन क्या है, गलत। ये कथन है जो वो क्या है, असत्य है। असत्य मतलब गलत। तो कोई भी प्रश्न हल करते समय आपको देखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और तनुकरण क्या है। तनुकरण मतलब कि पानी मिलाना। दूसरा क्वेश्चन है इसमें CaCO3। ये CaCO3 है जो कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको रिवीजन करते समय यदि आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, S मतलब ठोस अवस्था। इसको जब हम गर्म करते हैं ऊष्मा के द्वारा तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एकल पदार्थ है। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नाम कैसे पढ़ेंगे, कैल्शियम एक तत्व ऑक्सीजन एक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 ये गैस उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है, अपघटित किया जा रहा है। तो ये एक अपघटन अभिक्रिया है। ये सत्य है कि असत्य, तो ये आप बताएं। सही लग रहा है कि इस ऊष्मा के द्वारा इस पदार्थ को हम दो भागों में तोड़ रहे हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। ये वाला कथन क्या है, असत्य। फिर है अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अभी हमने बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जब तनुकरण करते हैं तो वहां गर्मी उत्पन्न होती है, तो वो क्रिया ऊष्माक्षेपी है। जब विलयन ठंडा हो रहा है इसका मतलब ऊष्मा का वहां पर क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। इसलिए ये क्रिया जब विलयन ठंडा हो रहा है तो ये क्रिया होनी चाहिए ऊष्मा शोषी। और यहाँ क्या लिखा है, ऊष्मा क्षेपी। तो ये वाला जो कथन है वो क्या है, असत्य। क्या है, असत्य है। यहाँ ऊष्मा शोषी होना था और ऊष्मा क्षेपी है। अमोनियम क्लोराइड का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड।
अब पानी का सूत्र तो आपको मालूम ही है। चौथा यहाँ पर कथन दिया है H2O। ये जो L लिखा है ये लिक्विड, जब इस पानी को विद्युत धारा प्रवाहित करके हम तोड़ते हैं तो ये देखिए दो भागों में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक अभिकारक दो क्रियाफलों में टूट रहा है, और किसके द्वारा टूट रहा है? विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये लिखा हुआ है विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है। अब आप बताइए ये सही है कि गलत। विद्युत के द्वारा दो भागों में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। तो ये वाला जो कथन है ये भी क्या है? सत्य है, ये कथन सत्य है, ये वाला। फिर है अगला जो कथन है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नहीं, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, कृत मतलब उपचयित होना, मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम उनको ऑक्सीकारक नहीं बोलेंगे, उनको तो हम अपचायक बोलेंगे। और यहाँ क्या लिखा है? उपचायक। तो ये कथन क्या है? असत। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उपचायक क्या है और अपचायक क्या है। तो इस प्रकार ये प्रश्न पहले वाले पार्ट से आ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। यदि आप रट लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ी देर समय तो याद रहेगा लेकिन फिर भूल जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न इसमें जोड़ी बनाना भी आता है, तो जोड़ी बनाने में कुछ गलत उत्तर उनके सामने लिखे रहते हैं, आपको क्या करना है? सही उत्तर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले पूरे पॉइंट यहाँ के पढ़ लीजिए और यहाँ के पढ़ लीजिए, फिर आप ऐसे लिखा, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, प्रकाश के द्वारा, विद्युत के द्वारा, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। आपने पहले पढ़ा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो इसकी जोड़ी जमेगी इससे, ऐसे ये उसका उत्तर होगा। फिर है प्रकाश के द्वारा अपघटन, तो ये कहलाएगा प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के द्वारा अपघटन, तो विद्युत अपघटन। फिर ऊष्मा के द्वारा अपघटन होता है तो ऊष्मी अपघटन। ऊष्मा का उत्पन्न होना, उस क्रिया को बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप ऐसा ना लिखकर ऐसा भी लिख सकते हैं, उत्तर लिखते समय उत्तर आप क्रमांक डालिए, पहला पहला का आप किससे मैच करवा रहे हैं, किसका उत्तर क्या होगा? सी, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा प्रकाश के द्वारा अपघटन, तो इसको लिख सकते हैं डी। इस प्रकार भी आप उत्तर लिख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो एक शब्द या वाक्य में, ये ज्यादा आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अभी हमने बताया था कि इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं या इसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब ऑक्सीजन का जुड़ना, कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। दूसरा है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है, क्षति मतलब ऑक्सीजन कम होती है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, वो है अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। फिर है, दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है। जब हम दो विलयन, मान लो पानी जैसे हैं पतले, और उनको मिलाएं तो वहां पर एक अविलेय अवक्षेप जैसा पदार्थ बनता है, तो
इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसको क्रिया को उपापचयन या इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उपापचय या इसका एक प्रचलित नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, या लोहे का संक्षारण हो जाता है, इसमें लोहा नष्ट हो जाता है, इस क्रिया को बोलते हैं संक्षारण अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा कौन सी अभिक्रिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं संक्षारण अभिक्रिया। अब इस लेसन में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न और हैं बहुत सारे निकल सकते हैं, अब इसमें कुछ छोटे प्रश्न का भी हम अध्ययन करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए इस लेसन को, ताकि इस लेसन को आप पढ़ेंगे तो आपसे 5 नंबर का अवश्य बनेगा। धन्यवाद।